हेलो एवरीवन, साले शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए PGCIL में वैकेंसी आई है और उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन रन कर रहा है यूट्यूब पर, क्या वह रियल है या फेक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि यह नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2 दिनों से रन कर रहा है सोशल साइट्स पर और इसमें बताया जा रहा है कि UPPCL में आ गई है वैकेंसी जो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के लिए। और इसमें अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी पूरा डिटेल बताया गया है। तो क्या यह जो वैकेंसी वाली नोटिफिकेशन रन कर रही है वह रियल है या फिर फेक है, तो अगर आप इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पूरा अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है कि यह जो वैकेंसी है या जो नोटिफिकेशन है यह एक्चुअलिटी इसकी क्या है। और एक चीज़ आपको बता दें कि ऑलरेडी हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आज से 20-25 दिन पहले, उसमें हमने कहा था कि आप लोगों को PLC हम टीच करेंगे यहाँ पर और बहुत ही बेसिक लेवल से टीच करेंगे, लेकिन हम वो टीच अभी नहीं किए हैं। और इधर पिछले 10 दिनों से हमारी एक भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है। तो हम आपको बता दें कि हमारी जो मम्मी जी है उनका जो तबीयत है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गई थी, उनको लेकर के हम बहुत परेशान हो गए थे। आज पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसी वजह से कोई वीडियो नहीं आई। और जो हम वादा किए थे कि PLC को टीच करेंगे वो हम टीच भी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम थोड़ा बहुत फ्री हो गए हैं क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थी तो अब वापस आ गई हैं घर पर। और घर फिर भी अभी उनका हेल्थ सही नहीं हुआ है पूरी तरह से, उनको हमको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी अब घर पे आ गई तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो गए हैं, इसीलिए आज हमको थोड़ा टाइम मिल गया, इसीलिए इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मतलब आप पूरी तरह से हमारे वीडियो को ग्रो करवा दीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करवा दीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर जो कहेंगे वो सब्जेक्ट टीच करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड। फिलहाल में हम PLC के लिए आपसे बोले हैं तो PLC जरूर टीच करेंगे, 4-5 दिनों के बाद आपका लेक्चर जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसी वीडियो लगी, पहला क्लास डेमो क्लास आएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमने मुद्दा आज उठाया है कि यह क्या वीडियो रियल है या फेक है, उसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके लिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, यह वह नोटिस है जो बहुत तेज़ी से यूट्यूब पर रन कर रही है और इसमें बताया जा रहा है कि पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन यह क्रिएट कर दिया गया है। तो चलिए इसको हम डिटेल में देख पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसको हम देखेंगे क्या यह रियल है या फेक है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए, पावर ग्रिड डिप्लोमा प्रशिक्षु विद्युत डिप्लोमा प्रशिक्षु सिविल के पद हेतु नियुक्ति। अब इसमें दिया गया है पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक अग्रणी नवरत्न PSU नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार अपने उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली फर्स्ट जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली राज्यों को कवर करती है के लिए वर्तमान व्यक्तियों को भरने हेतु उज्ज्वल प्रतिबद्ध एवं ऊर्जावान अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसके बाद इसमें डिटेल दिया गया है कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है। देखिए, डिप्लोमा प्रशिक्षु के लिए 30 वैकेंसी टोटल है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा प्रशिक्षु सिविल के लिए भी टोटल 5 वैकेंसी दिखाई जा रही है, यहाँ पर बताई जा रही है, और अलग अलग आप यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें दिया हॉरिजॉन्टल आरक्षण, डिप्लोमा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति संबंध क्षेत्र की आवश्यकता हेतु क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। अतः जो अभ्यर्थी क्षेत्रों में ऐसे पदों पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं वे अंतर क्षेत्र स्थानांतरण अनुरोध हेतु पात्र नहीं है। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट www.powergrid.in और इस साइट पर जाने के बाद कैरियर सेक्शन में जाएं, उसके बाद जॉब अवसर पर जाएं, फिर उसके बाद ओपनिंग्स पर जाएं, फिर रीजनल ओपनिंग्स पर जाएं, और उसके बाद उत्तरी क्षेत्र पर जाने के बाद दिल्ली भर्ती आपको मिलेगा यह नोटिफिकेशन। पद उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन को भली भांति पढ़ लें, पद उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन को भली भांति पढ़ लें, इस लाइन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/6/2021 दिया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है और एक अलग साइट बताई गई www.powergridindia.com। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जैसे क्षेत्रीय मुख्यालय, पंजीकृत कार्यालय, कॉर्पोरेट केंद्र का अलग अलग यहाँ पर एड्रेस बताया गया है।
यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है और इसमें नीचे ग्रीन कलर में लिखा है एक महारत्न PSU, ग्रीन कलर के ऊपर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। उसके बाद हमें फॉलो करें और अलग अलग सोशल ब्राउजर हैं जिस पर जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हमको फॉलो करिए। तो यह नोटिस है जो कि बहुत तेज़ी से रन हो रही है कि पावर ग्रिड में आ गई वैकेंसी। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, डीप में देखते हैं और आप खुद कमेंट करके बताइए क्या यह फेक है या रियल है। चलिए देखिए, पहला चीज़ हम देखेंगे कि PGCIL की जो नोटिस होती है वो कभी भी शुद्ध हिंदी में आप नोटिस नहीं देखे होंगे, या अगर आप कभी देखे हैं जो शुद्ध हिंदी में हो, उसमें इंग्लिश ना हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप देखे हैं। तो पहली बात कि शुद्ध हिंदी में कभी नोटिस नहीं होती है, वह पूरी इंग्लिश में होती है या फिर इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिखा हुआ होता है पावर ग्रिड का कोई भी नोटिस, आप देख लीजिए। अभी पिछली बार पावर ग्रिड के NR फर्स्ट रीजन में जो वैकेंसी आई थी वो 26/11/2019 को आई थी, जिसका कि स्क्रीनशॉट आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह पूरा नोटिफिकेशन था लेकिन हमने सिर्फ एक स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट किया, जिसके वजह से टाइम की सेविंग हो और आपको सारी डिटेल भी पता चल जाए। तो देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 26/11/2019 को आई थी, पावर ग्रिड की तरफ से आई थी, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर पूरा डिटेल में दिया गया और यह पूरी का पूरा नोटिफिकेशन टोटल इंग्लिश में है। हमने बहुत से नोटिफिकेशन देखे हैं PGCIL में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी, जो कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, उस तरह से नोटिफिकेशन अभी हमने पावर ग्रिड में नहीं देखा है। अगर आप देखे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपने देखा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो ये वैकेंसी आई थी 26/11/2019 को आई थी, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश में थी। अब चलिए इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं जो कि फ़िलहाल में रन कर रहा है। तो ये देखिए नोटिफिकेशन है। तो पहली बात तो आप समझ गए हैं कि टोटल जो है कि शुद्ध हिंदी में है। तो यह जो शुद्ध हिंदी में नोटिफिकेशन, यह थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट डेट गिवन है। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पहले ही लास्ट डेट दे दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पहले नोटिफाई किया जाता है कि आपका जो वैकेंसी है क्रिएट होने वाली है या इतने डेट को आ जाएगी और इतने डेट से फॉर्म फिलअप होगा, यह जानकारी जरूर होती है उसमें। सिर्फ और सिर्फ लास्ट डेट नहीं रहता है कि लास्ट डेट इतना है, अब स्टार्टिंग डेट क्या है पता ही नहीं। अब इसमें 15/6/2021 लास्ट डेट है, मतलब कि अगले महीने के 15 तारीख तक लास्ट डेट है। अभी मई चल रहा है, जून में 15 तारीख तक लास्ट डेट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी जब भी क्रिएट होती है तो कम से कम एक महीने का समय तो मिलता ही है, 28 से 30 दिनों का समय मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया गया है कि 15/6/2021 को लास्ट डेट है और आज आपको पता ही है कि 22 तारीख है। तो कितना डेट बचा, आप समझ सकते हैं कि 20-25 दिनों का मतलब समय है, लेकिन अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं होना स्टार्ट हुआ, तो यह डाउटफुल है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आपको बताएं तो देखिए, कोई भी कंपनी और खासकर से पावर ग्रिड जो कि एक महारत्न कंपनी है, यह कभी भी अपने आप को एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में नहीं करती है। कोई भी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें अपने आप को ये नहीं कहेगा कि आप हमको यहाँ फॉलो कर लें, यूट्यूब पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, नहीं, ये कभी ये नहीं कहता है। हाँ, यह जो पावर ग्रिड है या कोई भी जहाँ से कोई वैकेंसी क्रिएट हो रही, वह यह जरूर बात वहाँ से बोला जाता है उस साइट पर कि आप इस साइट पे बने रहें, आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा इसी साइट पे दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बने रहें, यह बात कही जाती है। ऐसा नहीं कहा जाता कि आप हमको फेसबुक पे फॉलो करें, हमको यूट्यूब पे फॉलो करो, हमको ट्विटर फॉलो करें, ये चीज़ें कभी नहीं की जाती है। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं कि थोड़ा सा अपना लोगो यहाँ बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस पर एक सिग्नेचर होता है जो कि HR का सिग्नेचर होता है, जो प्रूफ होता है कि नहीं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। लेकिन आप पूरे नोटिफिकेशन देखेंगे, ऐसा कोई भी सिग्नेचर नहीं है, HR छोड़िए किसी का भी सिग्नेचर नहीं है जो कि प्रूफ करे कि नहीं यह रियल नोटिफिकेशन है। तो यह बहुत ही बड़ा डाउटफुल पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बताएं आपको तो देखिए, लेटेस्ट में जो पावर ग्रिड है इसने अपने वेबसाइट को चेंज कर दिया है और इसका जो लेटेस्ट वेबसाइट है वह www.powergrid.in है। मतलब कि आप पहले जो आप देखते रहे होंगे तो आपको जो वेबसाइट मिलती थी वो www.powergridindia.com था,
लेकिन अब जो है कि www.powergrid.in हो गया है इसका वेबसाइट, और इसके बारे में एक पूरी नोटिफिकेशन, पूरा मतलब कि सूचना इसके रियल वेबसाइट पर दिया जा रहा है। चलिए हम उसको भी आपको दिखा देते हैं। के ऊपर देखिए ये मूव हो रहा है, काइंडली नोट दैट अवर वेबसाइट हैज़ मूव्ड फ्रॉम https www.powergridindia.com। आप ये देख सकते हैं न्यू साइट है, मतलब यह जो है ओल्ड साइट है, सॉरी यह जो ओल्ड साइट है और इसको चेंज कर दिया गया है न्यू साइट में, जो कि https उसका www.powergrid.in हो गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह जो पुरानी वेबसाइट थी वह न्यू वेबसाइट में चेंज कर दी गई है। यह वह नोटिफिकेशन है जो कि अभी रन कर रहा है। अब इसमें देखिए दोनों, यहाँ पर दिया है www.powergrid.in और यहाँ पर दिया है www.powergridindia.com, दोनों वेबसाइट दिया है, जो कि बहुत बड़ा डाउट वाला पॉइंट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे डाउट हैं, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही सही नहीं लगते हैं। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह जो नोटिस है, आप खुद बताइए कि यह रियल है या फेक है। इसका जो लुक है वो देखने से ही ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल फेक है। मेरी तरफ से तो यह बिल्कुल फेक न्यूज है। आप बताइए कमेंट करके कि यह फेक है या रियल है। आप इस नोटिस को कहाँ देखें, क्या आप वेबसाइट पर देखें? चलिए आपको हम इसको ले चलते हैं अच्छी ढंग से प्रूफ करने के लिए, मतलब पूरे संतुष्टि के लिए इसके वेबसाइट पर, जो कि www.powergrid.in है, और वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या यह रियल में ऐसा कोई नोटिस है या नहीं। क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया, और ऑलरेडी आपको पता ही है कि अभी हमने ओपन किया था जो कि यह साइट है। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ से कैरियर पॉइंट को चूज करना है। अब कैरियर पॉइंट देखिए, यहाँ से ऐसे आप यहाँ से देखिए कैरियर पॉइंट, से कैरियर पॉइंट को आप चूज करेंगे। इसको सर्च होने दीजिए। सर्च होने के बाद कैरियर्स हो गया, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे। ये देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी, इसको रीड मोर करिए। अब जॉब अपॉर्चुनिटी के बाद आप देखिए यहाँ पर जो नोटिस है, ऐसा कोई नोटिस नहीं है जो कि आज या पिछले जो बीता हुआ कल है उसमें कोई नोटिस आया हो लेटेस्ट में, जो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए हो। और उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए रीजनल ओपनिंग्स एनआर रीजन फर्स्ट दिल्ली रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आप जब क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिस इलेक्ट्रिकल या सिविल इन एनआर फर्स्ट। लेकिन आप चौंकिए नहीं, क्योंकि यह जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 26/11/2019 का है। पिछली बार जो हम पिछले स्लाइडों में आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि पिछली वैकेंसी आई थी एनआर फर्स्ट में, वह 26/11/2019 वैकेंसी का, उसका ही नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, या हमें भी नहीं मिला, जो कि यह जो नोटिफिकेशन रन कर रहा उसके बारे में हो। इसके अलावा हमने और बहुत सारी साइट्स पे सर्च किया, या हमने सोचा कि कहीं कोई भी हमको न्यूज़ मिल जाए इससे रिलेटेड, तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिला। अगर आपको ऐसा कोई न्यूज़ मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो कि रियल हो। आपको क्या लगता है, यह वैकेंसी रियल है या फेक है? हमारी तरफ से तो यह पूरी तरह से फेक है, आप सावधान रहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जो यह नोटिफिकेशन है रन कर रहा है, जो पूरी तरह से दावा कर रहा है कि वैकेंसी आने वाली है PGCIL में, जिसका कि डिटेल नोटिफिकेशन 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा, यह पूरी तरह से फेक है। आप अगर कहीं इससे रिलेटेड कोई एक्चुअल नॉलेज आपको या एक्चुअल कोई जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर कमेंट करके शेयर करिएगा, और आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या यह रियल है या फेक है। तो हमारी तरफ से तो पूरी तरह से फेक है। आपका राय हमको कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।